इमेजिन आप अपने फोन पे डोटा 2 या लीग ऑफ लेजेंड्स खेल पाते, इमेजिन सुमेल की तरह आप भी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाते, या फेकर की तरह एडिडास पे आपका भी ब्रांडिंग होता। वाह, हियर्स योर अपॉर्चुनिटी, वाइल्ड रिफ्ट मोबाइल फोन पे आ रहा है। क्लोज बेटा का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा जा रहा है टिल नाउ। राइट हैज डन अ फिनोमिनल जॉब गेम के साथ, और 5 रीजन में ऑलरेडी क्लोज बेटा एक्टिव तो है ही, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। एंड कल ही उन्होंने अनाउंस किया कि 2 नए रीजन ऐड हो रहे हैं, साउथ कोरिया एंड जापान। बट हां, अलोंग विद दैट देयर इज आल्सो एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, पढ़ के ही बताता हूं। क्लोज बेटा बीइंग अवेलेबल इन द रीजंस इट करंटली इज इन इज बिकॉज दीज कंट्रीज आर फेयरली क्लोज टू ईच अदर, विच अलाउ द कंपनी टू स्केल टेस्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सर्वर्स। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पता चला क्लोज बेटा सिर्फ एंड्रॉइड के लिए आ रहा है, iOS के लिए नहीं। तो मैंने जाके iPhone 12 प्री ऑर्डर कर दिया, उसके ऊपर गेम नहीं खेलने को मिलेगा भाई। सो आई होप Wild Rift इंडिया में बहुत ही जल्द आ जाएगा। बट इफ यू डोंट नो व्हाट MOBA's बेसिक्स आर, आप गेम के बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम। आई एम गोइंग टू बी पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट विद रिगार्ड्स टू MOBA बेसिक्स, आके देख लें। एंड इफ यू आर एज एक्साइटेड अबाउट द Wild Rift लॉन्च एज मच एज आई एम, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी Wild Rift से इतने सारे भारी एक्सपेक्टेशंस प्राइमरीली एक वजह से है, और वो है पब्लिशर। राइट गेम्स वैलोरेंट के साथ क्या कुछ नहीं कर रहा है। सो वैलोरेंट का नया पैच 13 अक्टूबर को लाइव जाएगा, और इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा एक फ्रेश बैटल पास और सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपेरेटिव चेंजेस। सबसे पहले तो अभी आप कंपेरेटिव गेम्स में 3 रैंक से ज्यादा के डिफरेंस में नहीं क्यू कर सकते, जिसका मतलब है अगर आप सिल्वर 1 हो तो आप गोल्ड 2 के साथ नहीं क्यू कर सकते, आपको कंपेरेटिव में सोलो ही ग्राइंड करना पड़ेगा मेरी तरह। और हाँ, ये पहले 6 रैंक का डिफरेंस था, अब कम हो चुका है। अलॉन्ग विद दिस अभी आप अपना प्रेफर्ड सर्वर भी क्यू कर सकते हो, बट ऐसा कोई गारंटी है नहीं कि आपको अपना प्रेफर्ड सर्वर ही मिलेगा। इमॉर्टल रैंकिंग में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है। अपेरेंटली अभी आपकी रेटिंग विन या लॉस पे डिपेंड करेगी, नॉट ऑन योर परफॉर्मेंस। काफी इंटरेस्टिंग चेंज है राइट। दे हैव ऑल्सो गॉन ऑन टू से दैट आगे जाके दे विल बी इंप्लीमेंटिंग द सेम चेंज टू ऑल द अदर रैंक्स। इट्स गोना इंपैक्ट द कंपेटिटिव सीन अ लॉट। आई एम सुपर इंटरेस्टेड टू सी क्या होने वाला है। कंपेटिटिव चेंजेस के साथ वैलोरेंट का 5th मैप भी अनाउंस हुआ है, आइसबॉक्स। ये मैप आपको CS:GO के सब जीरो का फेज देगा, और 13th ऑफ अक्टूबर को नए एक्ट के साथ आप ये मैप को खेल सकोगे, 27th को रैंक में अवेलेबल होगा। नाउ स्पीकिंग ऑफ 27th, नया एजेंट भी आने वाला है। द एजेंट्स नेम इज स्काई। स्काई एक इनिशिएटर हीरो है, और उसका पहला एबिलिटी है गाइडिंग लाइट, जिसे यूज करने पे शी लॉन्चेस अ चिड़िया जो आप डेटोनेट कर सकते हो, मेकिंग इट अ फ्लैश। दूसरा एबिलिटी है ट्रेल ब्लेजर, जिसमें आप एक टैस्मेनियन टाइगर ट्रिंकेट बन जाते हो जो एनिमीज को हंट करता है, आप इसे भी डेटोनेट करके डैमेज कर सकते हो। स्काई थर्ड एबिलिटी एक AoE हील है कॉल्ड रीग्रोथ, जो उसके आसपास वाले लोगों को हील करता है बट खुद को नहीं। एंड फाइनली उसका अल्टीमेट सीकर्स है। यहाँ पे स्काई लॉन्चेस 3 हंटर्स दैट हंट ओपोनेंट्स एंड पैरानोया क्रॉस करता है, एग्जैक्टली लाइक द ट्विन हंटर्स फ्रॉम स्पाइक रश। वाह, सो वाह, मैच मेड इन हेवन फॉर यू भाई, कंग्रेचुलेशंस, शादी में जरूर बुलाना। नाउ राइट तो एकदम से तोड़ रहा है, वाइल्ड रिफ्ट का अनाउंसमेंट आ रहा है, वैलोरेंट में इतने सारे चेंजेस, और इंडिया में वैलोरेंट का सीन तो एकदम से बूमिंग है। हर हफ्ते कोई ना कोई टूर्नामेंट हो रहा है, एंड we have also announced our Valorant roster. I'm so proud to tell you guys we picked up some of the best talents in the country. The links in the description, please jaake dekhiye. And now I just need to take a moment to address the elephant in the room. Everyone's curious to know why Deathmaker is on the roster. Not to worry guys, there's a massive announcement coming about him very very soon. Stay tuned. To abhi ke liye jaake video ko like, share, subscribe sab daba do. I'll see you next Friday at फ्राइडे कहाँ से, ट्यूसडे ना। अरे हाँ, आई सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे 12 PM। चलो बाय।